नमस्कार साथियों, अंबेडकर नामा में आपका स्वागत है। और आज हम एक खास खास विषय पर चर्चा करेंगे और वो है एक दिलचस्प किरदार जो कि साइमन कमीशन से लेकर और पूना पैक्ट तक जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, एमसी राजा। आप जानते हैं कि जब भी हम साइमन कमीशन की बात करते हैं या फिर पूना पैक्ट की बात करते हैं तो इर्द गिर्द सिर्फ गांधी और अम्बेडकर का चेहरा सामने आता है, लेकिन उस पूरी कड़ी में, पूरी श्रृंखला में कई कैरेक्टर थे जो अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। उसमें से एक थे, वो डिप्रेस क्लास के सदस्य थे, मेंबर थे, वो तमिलनाडु के मद्रास के रहने वाले थे और उनका नाम था एमसी राजा। तो मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा की जाने की जरूरत है। ये शिक्षा पूरी करने के बाद ये टीचर के रूप में अपॉइंट हुए और राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो सामाजिक सुधार के कार्यों में लगे रहे। 1922 में वो मद्रास लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके सदस्य नॉमिनेट हुए। 1925 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का निर्माण किया, उसके अध्यक्ष थे और गवई उसके महासचिव बनाए गए थे। और 1925 में एमसी राजा सेंट्रल असेंबली में नॉमिनेट किए गए थे। तो ये दिलचस्प है और शायद हमें भी जानकारी नहीं थी और जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे जानकारी हमें मिल रही है। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन में भावी संविधान कैसा हो इसके बारे में चर्चा करने के लिए, भारत के नेताओं से चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन आया था। जब साइमन कमीशन आया था तब उस समय तकरीबन 18 डिप्रेस क्लास के एसोसिएशन थे, उसमें से 16 ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में राय दिया था, मंशा जाहिर की थी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अंबेडकर उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन क्षेत्र के समर्थन में नहीं थे। अंबेडकर के हिसाब से संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए जिसमें से डिप्रेस क्लासेस के लिए कुछ रिजर्व सीट होने चाहिए, ये अंबेडकर की लाइन थी। और देखिए कैसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा बदलाव आता है अंबेडकर के सोच में। तो साइमन कमीशन के जाने के बाद आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसमें एमसी राजा को निमंत्रण नहीं दिया गया था, उनके जगह अंबेडकर गए थे। तो मुझे लगा शायद इसके दो कारण ये थे। पहला कारण कि अंबेडकर इंटेलेक्चुअली साउंड थे और वो कम्युनिकेट कर सकते थे। दूसरी बात, उनकी अंग्रेजी बेहतर थी इसलिए इंटरनेशनल दुनिया से वो कम्युनिकेट कर सकते थे। ये दो वजह रही होंगी जिसकी वजह से अंबेडकर को वहां पे इनवाइट किया गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो पहले जब साइमन कमीशन है उस समय अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो उन्होंने जो लिखित मेमोरेंडम दिया उसमें उन्होंने पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की और उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र रहे और फिर ज्वाइंट इलेक्टोरेट में, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में जो है रिजर्व सीटों के साथ बने, कि पहले 10 वर्ष सेपरेट देन ज्वाइंट, लेकिन ये ज्वाइंट तब तक नहीं बने जब तक कि वयस्क मताधिकार लागू नहीं हो और डिप्रेस क्लासेस के लोग इसके लिए सहमति नहीं दे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद जो फेज आता है वो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का 1931 में, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर के विचारों में फिर एक परिवर्तन देखा जाता है। अब वो 10 वर्ष नहीं बल्कि कह रहे हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र डिप्रेस क्लासेस के लिए 20 वर्ष होने चाहिए, और जब तक ये सप्लीमेंट्री उन्होंने मेमोरेंडम दिया था कि जब तक एडल्ट फ्रेंचाइजेज वयस्क मताधिकार लागू नहीं हो तब तक जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के पक्ष में नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि ज्वाइंट संयुक्त क्षेत्र के लिए दलितों की सहमति जरूरी है। तो इस तरह से अंबेडकर के विचारों में परिवर्तन आता है। आपको पता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, गांधी उसमें इंग्लैंड नहीं गए थे, लेकिन सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में गांधी इंग्लैंड जाते हैं और गांधी का जो विरोध है जो सेपरेट
इलेक्ट्रोड के सिद्धांत का जग जाहिर है, वो कैसे बाद में पूना पैक्ट में कन्वर्ट होता है वो पूरी एक कथा है, वो श्रृंखला धीरे धीरे आपके बीच लाऊंगा। लेकिन 1932 में जो कॉमनल अवार्ड की घोषणा होती है और इसमें पहली बार जो डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं, जो अछूत वर्ग के लोग हैं, उनको डबल वोट देने का अधिकार मिलता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र वो अपने कैंडिडेट को भी चुनेंगे और साथ साथ जनरल जो कैंडिडेट होंगे उनको भी ये वोट करेंगे। तो इसके विरोध के बाद जो भारत में जो डिप्रेस क्लासेस के लोग थे उनकी बहुत ही मैसिव रिएक्शन, बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया आई गांधी के खिलाफ, और गुड़गांव में एक अधिवेशन हुआ। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष एमसी राजा थे उनकी अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ और वहां पे गांधी के विचारों की मुखर आलोचना की गई और एमसी राजा ने कहा कि गांधी सत्य से भटका रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है अस्पृश्यों के बारे में, डिप्रेस क्लास के बारे में। तो ये पूरा एक चेंज आ रहा है यहां पे। और लेकिन कुछ दिनों बाद अब देखेंगे कि कुछ दिनों बाद राजा फिर अपना अपना पाला बदल लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, रिजर्व सीट के साथ ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए। अब इस पर अंबेडकर ने 1932 में पटना से एक लंबा आक्रामक चिट्ठी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, एमसी राजा के संगठन के जनरल सेक्रेटरी बीएम गवई को उन्होंने लिखा। वो बहुत ही स्ट्रांग लेटर है और उसको पढ़े जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजा अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट के पक्ष में बात कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपका संगठन उनकी बात पर ध्यान नहीं देगा, अन्यथा यह कदम आत्मघाती होगा। यदि आपके संगठन और आपने ज्वाइंट इलेक्टोरेट का, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन किया तो हमसे सदा के लिए संबंध विच्छेद होगा, जिसको मैं जानबूझकर अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखिए राजा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले शुरू में वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात करते हैं और उसके बाद फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। इसके दो कारण दिखते हैं। एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको नहीं बुलाया गया था, इसलिए गुस्सा था, आक्रामक थे। दूसरी बात, गांधी अपने आप को डिप्रेस क्लासेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव की तरह जिस तरह से पेश कर रहे थे, ये भी आक्रोश था, तो इसलिए उन्होंने फिर पृथक निर्वाचन का समर्थन किया। लेकिन फिर जब कॉमनल अवार्ड जब हुआ उसके बाद फिर ये अपने ओरिजिनल स्टैंड ज्वाइंट इलेक्टोरेट के पक्ष में आ जाते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा पैक्ट है जो हिंदू महासभा के नेता थे मुंजे, उनके बीच में और राजा के बीच में एक पैक्ट होता है, उसको पढ़िए, वो वॉल्यूम 17 पार्ट 1 में वो पूरा प्रोसीडिंग है, इस बार पढ़े जाने की जरूरत है। तो ये पैक्ट हुआ उसके हिसाब से कि रिजर्वेशन तो होगा लेकिन वो पृथक निर्वाचन में नहीं होगा, बल्कि वो संयुक्त क्षेत्र में ही रिजर्वेशन का अधिकार दिया जाएगा। तो यह एक रणनीति थी मुंजे की कि वो अंबेडकर के आंदोलन को कमजोर करें, यह रणनीति के तहत यह हुआ था। तो ये जो समझौतावादी नीति है जो एमसी राजा की, उसकी वजह से अंबेडकर काफी अग्रेसिव थे, बहुत ही आक्रामक तेवर अपनाया और इसका रिएक्शन सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे भारत में इसका रिएक्शन देखा गया और कई जैसे असम, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जगह से जो डिप्रेस क्लास के लीडर थे उन्होंने एमसी राजा का बायकॉट किया और अंबेडकर के समर्थन में खुलकर आए। अब राजा का जो पक्ष परिवर्तन था उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी, उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने अपने समर्थन में कही। पहला कि कॉमनल अवार्ड में जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको जनसंख्या के अनुपात में वो नहीं दिया गया है रिप्रेजेंटेशन, नंबर एक। नंबर दो, वो कह रहे थे कि इससे जो है वो यूनिफाइड हिंदू की बात कर रहे थे, उनका थोड़ा सा अटैचमेंट हिंदू मूवमेंट की ओर भी था, तो यूनिफाइड मूवमेंट की हिंदू की बात कर रहे थे। तो कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन होने की वजह से दलित अलग थलग पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि जब गांधी आमरण अनशन पे थे कॉमनल अवार्ड के खिलाफ में, तो ये मैं पढ़ देता हूं जो एमसी राजा ने जो बात कही थी अंबेडकर साहब को, वो लिखते कहते हैं कि डिप्रेस क्लासेस सदा के लिए हिंदू धर्म से बाहर चला जाएगा,
कि हजारों साल से दुनिया हमें अस्पृश्य, दबा कुचला और घृणित मानती रही है। महात्मा हमारे लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। अगर उनकी मृत्यु होती है तो हजारों साल तक हम वहीं पड़े रहेंगे जहां पर हम पड़े हुए थे। लोग यह भी कहेंगे कि हमने उनकी हत्या कर दी है, तब हमारे खिलाफ जन भावनाओं का इतना बड़ा सैलाब आएगा कि समूचा सभ्य समाज हमें लात मारकर और अधिक नीचे फेंक देगा, और अधिक नीचे फेंक देगा। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहूं। ये अंबेडकर को कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैं सम्मेलन में जाऊंगा, जिस समय आपको याद होगा कि जब गांधी आमरण अनशन कर रहे थे, उसके एक दो दिन पहले हिंदू नेताओं की मालवीय की अध्यक्षता में मुंबई में सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उस सम्मेलन की ये बात कर रहे हैं। मैं सम्मेलन में जाऊंगा और समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूं। ये उनका स्टेटमेंट था। बाद में हम सब जानते हैं कि अंबेडकर मान गए और उन्होंने कहा कि अब मैं सुलह के लिए तैयार हूं। जो हुआ पूना पैक्ट, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आरोप एमसी राजा का था, उसके जवाब, उसका जवाब बहुत दिलचस्प है। अंबेडकर ने जो जवाब दिया वो दिलचस्प है। पहला जवाब, वो कहते कि हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें जो सीट की संख्या है वो कम हुई है, कम आबादी के अनुपात में सीट नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने कई राज्यों का आंकड़ा निकाला, पेश किया कि, और उसके आधार पर उन्होंने बातें कही। वो कहते हैं कि इंडियन जो सेंट्रल कमिटी है उसमें राजा साहब मेंबर थे, और सेंट्रल कमिटी के रिपोर्ट के हिसाब से जो डिप्रेस क्लासेस को हक मिला कुछ इस तरह से है, मद्रास 150 में 10, बॉम्बे 114 में 8, उत्तर प्रदेश 182 में 8, पंजाब 150 में 6, बिहार एंड उड़ीसा 150 में 6, सेंट्रल प्रोविंस 125 में 8। ये आंकड़ा पेश करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो वह भी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, और राजा इस निर्णय के पाठी थे। उन्होंने इसका विरोध सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल कमिटी में उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं अंबेडकर कि दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने चेहरा देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने ग्रीवान में झांकना चाहिए। वो कहते हैं कि वो सेंट्रल कमिटी में डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधि के रूप में नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इसमें जो उन्होंने कोई प्रतिरोध दर्ज नहीं किया। जब अनुपात के हिसाब से डिप्रेस क्लास को नहीं मिला तो उन्होंने कोई प्रतिरोध दर्ज नहीं किया। उन्हें यह अवसर था कि वो आबादी के अनुसार अपने प्रतिनिधित्व की मांग करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? इसका जवाब राजा को दिया जाना चाहिए। जो दूसरा तर्क था अंबेडकर का, वो कहते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो ये हृदय परिवर्तन का ही मामला है। अगर यदि राजा को सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन क्षेत्र से आपत्ति है तो ऐसे किसी भी क्षेत्र से उम्मीदवार ना हो। तो जनरल क्षेत्र से लड़ने के लिए और वोट डालने के लिए उनका अधिकार है, वो लड़ सकते हैं। और यदि डिप्रेस क्लासेस के लोग हिंदू हैं और ऊंची जाति के लोगों का, कास्ट हिंदूज का, अगर हृदय परिवर्तन हो गया है तो राजा को जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाकर लड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदू हिंदू सब एक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट डिप्रेस क्लासेस सब एक है। तो वहां के सवर्ण वहां हिंदू समझकर इनको जितवा देंगे, उनको जनरल सीट में जाके लड़ना चाहिए। तो यह दिलचस्प था कि अंबेडकर पूरे फोर्सफुली काउंटर कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ आप सब पता है, और उस पर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। गांधी का आमरण अनशन जारी रहा और ये पूरे देश में हाहाकार मचा रहा। अंत में अंबेडकर को समझौता करना पड़ा, वो पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, उस पर पूरे साइमन कमीशन से लेके और पूना पैक्ट तक वो सीरीज में हम वीडियो बनाएंगे और आपसे साझा करेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये दिलचस्प देखने की बात है, अगर गवई और राजा उस समय अंबेडकर का समर्थन किए होते तो शायद दो दशक के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल सकता था। लेकिन उनका जो पूरा बदलाव है, वो परिवर्तन है, उसको कैसे देखा जाए, ये चेंज ऑफ हार्ट है गांधी की तरह। गांधी हर समस्याओं को हृदय परिवर्तन का मामला मानते थे। क्या अंबेडकर से जलन, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा थी, या फिर ये कोई अवसरवाहिता का सवाल है? ये सारे सवाल है जिसपे एक सेपरेट शोध की मांग करता है और डॉक्यूमेंट्स को पढ़े जाने चाहिए। इसके साथ साथ एक दिलचस्प जो और मुझे जानकारी मिली कि
शुरू में साइमन कमीशन के सामने अंबेडकर ज्वाइंट इलेक्टोरेट संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, साल भर के अंदर फिर सेपरेट इलेक्टोरेट पे आते हैं जहां 10 वर्ष के लिए बात करते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो 20 वर्ष के लिए बात करते हैं। तो ये चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ ही हमला बोला, उन्होंने विद्रोह किया एक तरीके से, तो ये चेंज कैसे हो रहा है, ये एक पृथक शोध की डिमांड करता है, शोध की मांग करता है कि इसको पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। बहरहाल आज इतना ही, और विभिन्न घटनाओं पर फिर चर्चा होगी, और पूना पैक्ट से लेकर पूना पैक्ट से पहले साइमन कमीशन तक जो घटनाक्रम है साइमन कमीशन से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे। और दूसरा, उससे पहले एक वीडियो आपको और जारी करेंगे जिसमें अंबेडकर का बिहार से क्या रिश्ता है, वो जगजीवन राम के इमरजेंसी से पहले क्या वो बिहार गए थे तो किस संदर्भ में गए थे, क्या जगजीवन बाबू ने उनको चिट्ठी लिखा था, तो इस पे एक वीडियो तुरंत जारी करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि यदि विमर्श अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ वहां जो बेल है वो बजा दें जिससे कि आपको हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। शुक्रिया साथियों, जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साथियों अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।